हेलो दोस्तों, माय सेल्फ श्रीनिवास मराठे, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड शिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बहुत महान संत हुए, संत तुकाराम महाराज। उनकी बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ है, वो कहते हैं, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धिंचे कारण, मोक्ष अथवा बंधन सुख समाधान इच्छा थे। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मन को प्रसन्न करो, मन सभी सिद्धियों का कारण है और मन सभी असिद्धियों का कारण है, मोक्ष का भी कारण है और बंधन का भी कारण है। सुख भी मन की वजह से मिलता है, दुख भी मन की वजह से मिलता है और सेटिस्फैक्शन भी मन की वजह से मिलता है। और इसलिए वो कहते हैं, मन को प्रसन्न करो। सबसे पहले तो आपको मन को प्रसन्न करना होगा। बहुत बार ये पंक्तियाँ जब लोग दूसरों को समझा के बताते हैं, वो भी ठीक से समझा नहीं पाते हैं। संत तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि मन को प्रसन्न करो। वो ये नहीं कह रहे कि मन प्रसन्न होगा तब आपको सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी। नो, वो ये कह रहे हैं पहले आपको मन को प्रसन्न करना पड़ेगा। क्योंकि लोगों को कितने सहजता के साथ आपने बोलते हुए सुना है कि मैं उसकी वजह से दुखी हूँ, मेरे परिवार में जो व्यक्ति है उसकी वजह से मैं खुश नहीं रह पाता हूँ, ये जो घटना घटित हुई है मेरी ज़िंदगी में इसकी वजह से मैं प्रसन्न नहीं रह पाता हूँ, मैं दुखी हो गया हूँ। कितनी आसानी से हम कहते हैं। दोस्तों, तुकाराम महाराज कह रहे हैं मन को प्रसन्न करो। पहले आपको खुद को, मन को प्रसन्न करना पड़ेगा। और कुछ लोग तो राह देखते हैं कि कोई मुझे प्रसन्न कर दे, कोई मुझे खुशियाँ दे दे। खुद तो सामने वाली की तरफ घूर कर देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि उसने मुझे मुस्कुरा कर देखना चाहिए। नो, सबसे पहले आपको प्रसन्न करना पड़ेगा आपके मन को। और आप ही प्रसन्न कर सकते हो आपके मन को, और दुनिया में कोई आपको प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको खुश नहीं रहना है, आपको प्रसन्न नहीं रहना है, तो फिर कोई भी घटना आपको खुश नहीं कर सकती, आपको प्रसन्न नहीं कर सकती। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, एक ही घटना को लेकर सभी लोग एक जैसे दुखी नहीं होते हैं और उसी घटना को लेकर सभी लोग खुश नहीं रहते हैं। सबकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती है, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। सबका मन का प्रोग्रामिंग अलग अलग तरीके से बना हुआ है, और इसलिए वो एक घटना को लेकर कोई बहुत दुखी होता है और कोई बहुत खुश होता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों। सबसे पहले हमें मन को प्रसन्न करना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। पहले हमें मुस्कुराना पड़ेगा। जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो एक गहरी सांस लीजिए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए और उसके बाद ही घर से बाहर निकलिए। जापान में एक बहुत खूबसूरत कहावत है, वो कहते हैं कि जिस दिन आप मुस्कुरा नहीं सकते हो, उस दिन आपको अपनी दुकान नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत घाटे में जाओगे, आप उतना नहीं कमा पाओगे जितनी आपकी क्षमताएं हैं। फिर आपका मन आपको उतनी ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करेगा जितनी ऊर्जा जरूरी है आपके लिए। और इसलिए सबसे पहले आपको खुद को प्रसन्न होना होगा। प्रसन्नता के भाव आपके चेहरे पे लाने होंगे, एक्सप्रेशन लाने होंगे कि जैसे आप बहुत प्रसन्न हो, और अपने आप वो प्रसन्नता आप महसूस करना शुरू कर दोगे। दोस्तों, इस वीडियो में और दो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको प्रसन्न रखने में बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, मेकअप एंड ड्रेसअप। जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, अच्छे से अच्छा मेकअप करके निकलना है और बेहतर से बेहतर ड्रेस पहन के निकलना है। इससे क्या होगा, आप बहुत प्रसन्न रहोगे, आपका मन बहुत फ्रेश रहेगा। जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, हमेशा सज धज के बाहर निकलना, इतना सजना जितना आप शादी के दिन सजे थे या फिर जितना आप शादी के दिन सजने वाले हो। दूसरों को दिखाने के लिए, आप कोर्स दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन उसके पहले खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए। आपने अनुभव किया होगा दोस्तों, जब आप बहुत ही अच्छा सज धज के घर से बाहर निकले हो ना, तो आपकी ऊर्जा कुछ और ही लेवल पर होती है। आप बहुत प्रसन्न महसूस करते हो, सामने वाले से आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हो, और इसलिए मेकअप एंड ड्रेसअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये मत कहना कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये एटीट्यूड क्या सही है क्या सर? यस, ये एटीट्यूड सही है। सिंपल आप कब रहो, जब आपने उस तरह की सफलता हासिल कर ली है, एपीजे अब्दुल कलाम की जैसी सफलता आपने हासिल कर ली है, तब आप बहुत सेटिस्फाइड रहते हो। आपका मन तब तक बहुत ही अच्छे विचारों से प्रोग्रामिंग हो गया होता है, उसे फिर इन सारी बातों की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अभी अगर आपने उनके जैसे बड़े बाल भी रखे ना, तो लोग आपको मवाली बोलेंगे, उनको कोई मवाली नहीं बोलेगा, क्योंकि उन्होंने उस लेवल की सफलता हासिल कर ली है, उनका मन उतने कॉन्फिडेंस से भर गया है, अब उन्हें इस तरह की बाहर की चीज़ों की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हमें मेकअप एंड ड्रेसअप बहुत जरूरी है। आप कैसा रहते हो, ये आपकी मन की प्रसन्नता के ऊपर बहुत असर करता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध जी अपने शिष्य को प्रवचन दे रहे थे,
और उसमें वो बता रहे थे कि जब भी आप राह से गुजरते हो और कोई व्यक्ति आपके बाजू से गुजरता है तो उसके बारे में बहुत अच्छा सोचना, मन ही मन में मंगल कामना करना उसके बारे में कि इसका बहुत अच्छा हो, इसका ज़िंदगी में बहुत ही भला हो। तो एक शिष्य ने पूछा कि भगवान, अगर हम सामने वाले के प्रति मंगल कामना करते हैं हर बार जब हम राह से गुजर रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा? तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि जब भी आप सामने वाले के प्रति मंगल कामना करते हो, आपके मन में जो नकारात्मक थॉट है वो अपने आप चले जाएंगे और वहाँ पे पॉजिटिव थॉट की श्रृंखला शुरू हो जाएंगी और आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा, आप बहुत ही प्रफुल्लित महसूस करेंगे। सामने वाले तक वो प्रसन्नता के वाइब्रेशंस तो जाएंगे ही, लेकिन उसके पहले आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और इसलिए दोस्तों, जब भी आप राह से गुजरते हो, कोई व्यक्ति की तरफ आपका ध्यान जाता है, तो सबसे पहले उसके प्रति मंगल कामना करना। और कुछ बातें होती है दोस्तों जो आपके मन को प्रसन्न रखने में बहुत हेल्प करती है। एक तो प्राणायाम, अगर आप प्राणायाम नहीं करते हो तो कम से कम हर रोज 2 से 4 मिनट तक आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं ना दोस्तों, जब हम गहरी सांस लेते हैं और सांसों को छोड़ते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का कोटा ज़्यादा हो जाता है और हम बहुत उत्साहित महसूस करने लगते हैं और हम बहुत फ्रेश महसूस करने लगते हैं। ऐसा कहते हैं कि हर रोज आपको 2 से 4 मिनट डीप ब्रीदिंग करना ही चाहिए। अच्छी नींद बहुत जरूरी होती है और अच्छा सात्विक भोजन जो है आपके मन को बहुत प्रसन्न रखता है। दोस्तों, मैं कामना करता हूँ कि आप बहुत प्रसन्न रहो, बहुत खुश रहो और बहुत सक्सेसफुल रहो। ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स करके। मेरा फेसबुक पेज है, उसे ज़रूर फॉलो करना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे सारे अपडेट्स आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे। दोस्तों, लाइक करना अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट ये जो वीडियो सीरीज़ मैं लेकर आया हूँ यूट्यूब पर, इस वीडियो सीरीज़ का एक बहुत पावरफुल वीडियो बहुत जल्दी से फिर से आपके सामने लेकर मैं हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।